तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अंदर में। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को जो है होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपने जो है मनी ऐप डाउनलोड कर लिया है और अगर आप मान लीजिए बनेड की जो फ़ोन नंबर है, जिन फ़ोन नंबरों से आपने जो है साइन अप किया था, अगर वो फ़ोन नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है वो फ़ोन नंबर किस प्रकार से जो है चेंज कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो बनेड के फ़ोन नंबर है, जिन फ़ोन नंबरों से आपने साइन अप किया है, वो किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी जो है वन ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है रेफर कोड की आवश्यकता पड़ेगी तो रेफर कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो वन ऐप है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने जैसे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है, इसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड, जो आपका ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखा दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होता है तो आपको जो है थोड़ा सी ऊपर स्लाइड करना है और आपके सामने जो है एक एफ ए क्यू लिखा हुआ है, तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करते हो फ्रेंड, तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हैं और आप चाहे तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं हिंदी के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं हिंदी के ऊपर क्लिक करता हूँ फ्रेंड, तो हमारे सामने जो है कुछ दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड हमारे सामने जो है दूसरा इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ है मैं अपना मोबाइल नंबर कैसे बदल सकता हूँ, तो आपको इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपको सामने कुछ ऐसा हिंदी में लिखा हुआ आएगा जो मैं आपको सिंपली जो है फट के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है अपना मोबाइल नंबर बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें, नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ हमें ईमेल आईडी support@oneaid.in पर पंजीकृत अपनी जो जीमेल आईडी है उससे निम्न दस्तावेज भेजें। आपको क्या करना है, आपकी जो वन ऐप है जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन है उन्हीं जीमेल आईडी से आपको जो है support@oneaid.in पर जो है उनको मेल करना है और क्या क्या दस्तावेज आपसे ये मांग रहे हैं आपके मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, तो मैं वो दस्तावेज भी आपको जो है बता देता हूँ। उपयोग किए जा रहे बैंक खाते की रद्द चेक की प्रति, आप जिस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी जो बैंक की जो चेक पासबुक होती है, जो आप चेक होता है वो कैंसिल चेक आपसे मांग रहे हैं। उसके बाद में ये आपसे मांग रहे हैं पैन कार्ड की एक प्रति संकलित करें, आपकी जो पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी है उसकी फ़ोटो खींच के आपको जो है उनके मेल पे ट्रांसफ़र करनी है, भेजनी है आई थिंक। इसके बाद में आपका आधार कार्ड की एक प्रति, तो आपके आधार कार्ड की भी जो आप फ़ोटो खींचे और उनको मेल कर दें। इसके बाद में अपनी जन्मतिथि बताएं, जो आपने जो वन ऐड में डाल रखी है वही जन्मतिथि आपकी जो है उनमें होनी चाहिए और आप जो है जन्मतिथि उन्हें बताइए। प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं और अपने मोबाइल कैमरे से स्वयं की फ़ोटो लें और प्रोफाइल फ़ोटो में अपलोड करें। आपको क्या करना है, आपके कैमरे में जाना है, एक फ़ोटो आपकी खींचनी है। खींचने के बाद में आप वन ऐड को ओपन करें और ओपन करने के बाद में जो आपकी प्रोफाइल होती है जहाँ पर हम पिक्चर ऐड करते हैं वहाँ पर आपको जाके जो फोटो आपने खींची है वो फोटो ऐड कर देनी है। इसके बाद आप फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नया मोबाइल नंबर बताएं, तो आपको नया मोबाइल नंबर जो है उनकी मेल आईडी पर support@oneaid.in पर उनको आपकी जो न्यू नंबर ऐड करना चाहते हैं वो नंबर आपको उनको सेंड कर देना है। और जैसे ही वो सारे दस्तावेज चेक कर लेते हैं, अगर आपके उनको लगता है कि ये वाकई में ये वही जो नंबर चेंज करना चाहते हैं उन्हीं के हैं, तो आपके जो नंबर चेंज कर दिए जाएंगे और उसमें हो सकता है 4-5 दिन या 7 दिन लग जाए, तो आप जो है इंतज़ार कर लीजिए और आपके जो नंबर हैं जो आप ऐड के न्यू नंबर ऐड करना चाहते हैं वो नंबर ऐड हो जाएंगे। तो आई थिंक मैंने आपको जो है वीडियो पूरा कंप्लीट बता दिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मेरे को ये डाउट है, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।